क्लास टेन के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का लास्ट मिनट सजेशन देंगे ज्योग्राफी की वीडियो मेरी वाइज आप लोग देख चुके हैं दो नंबर का अलग था तीन नंबर का अलग था फिर पांच नंबर का था आज दो नंबर का जो वीडियो हम दिए हैं मैंने जितना क्वेश्चन वो उतना ही आपको पढ़ना है थ्री मार्क्स का जो है और फाइव मार्क्स का उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं तो ये मत समझिएगा कि पहला वाला जो सजेशन बनाया है वो गलत था ये है सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं ये ऐसा नहीं है उसी में से है कुछ और भी हम रिस्क अपना बढ़ा दिए हैं मैंने कुछ क्वेश्चन उसी में से काट दिए हैं आप लोगों की तैयारी तो चल रही होगी अब लास्ट तैयारी के लिए एक बार और फिर से देखिए कि क्या क्या, क्या क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से करके जाना है थ्री मार्क्स का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई डेल्टा इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए रिवर चैप्टर वन एंड फाइव दूसरा है, सामने लिखा हुआ है हम नहीं बोलेंगे तीसरा है डिफरेंसिएट बिटवीन यार्डंग एंड ज्यूगेन फोर्थ नंबर है रिलेशनशिप बिटवीन जेस्टिंग एंड इंडियन मॉनसून सिस्टम सिक्स ब्रीफली डिस्कस एन थ्री इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एनवायरमेंट वेस्टेज सेवन ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम एनी थ्री परस्पेक्टिव एट नंबर है डिस्कस द रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री आर इन वेस्ट मैनेजमेंट नाइन नंबर डिस्क्राइब थ्री मेथड्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन इंडिया नंबर टेन स्टेट थ्री मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया नंबर इलेवन डिस्टिंग बिटवीन सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री टिस्कस द डिस्कस अबाउट थ्री मेजर यूजेज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स इन टेबलर फॉर्म एज यूज इन टोपोग्राफिकल मैप फोर्टीन डिस्टिंग बिटवीन जो स्टेशनरी एंड सन सिंक्रोन सैटेलाइट और नंबर लास्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टोपोग्राफिकल मैप एंड सैटेलाइट इमेजरी यह पंद्रह क्वेश्चन मेरा गेस्ट है जो पहले था उसमें से कुछ कम कर दिए उसके बाद पांच नंबर का जो है उसका पहले पार्ट वाले का पहला क्वेश्चन है सेकंड नंबर डिस्क्राइब विथ स्केचेस थ्री मेजर लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द फ्लोवियल फ्लोवियो ग्लेशियल डिपोजिशन चैप्टर वन का ये दो है और चैप्टर टू से भी दो ही है डिस्क द रिलेशन ऑफ प्लानिटरी विंडर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड और सेकेंड है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉजेस एंड इंफ्लुस ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग उसके बाद चैप्टर थ्री से एकमात्र क्वेश्चन है जो कन्फर्म है एक्सप्लेन द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईटाइट एंड एवस उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया दोनों देखेंगे और, और दूसरा है कल्टिवेशन ऑफ टी इन इंडिया और तीसरा है स्टेट द फिजियोग्राफिक डिफरेंसेज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एंड नंबर फोर एक्सप्लेन वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेलप इन वेस्टर्न इंडिया एंड द लास्ट डिस्कस दॉब्लम ऑफ अर्गनाइजेशन इन इंडिया ये सेकेंड पार्ट के पांच है मान पांच फर्स्ट पार्ट के हैं पांच इसके हैं इतना मेरा लास्ट मिनट सजेशन है और देखिए आपके एग्जाम में कितना अच्छा से आप लिख पाते हैं क्वेश्चन आएगा ये कन्फर्म है आपका बहुत बहुत धन्यवाद